यह सरकार माहौल शानदार जबरदस्त टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक है क्या टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर ट्वेल्व गुड्स के लिए सेक्शन नंबर थर्टीन सर्विसेज के लिए सर आपने सर सप्लाई का स्कोप तो समझ लिया अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है सुनिएगा ध्यान से सेक्शन नंबर ट्वेल्व सब सेक्शन वन सर सेक्शन नंबर ट्वेल्व है गुड्स के लिए सेक्शन नंबर थर्टीन है सर्विसेज के लिए ओके सर सेक्शन नंबर फोर्टीन एक और होता है वो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं आता इसलिए हम बात नहीं कर रहे सेक्शन नंबर ट्वेल्व और थर्टीन की बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन वन ये बोलता है कि गुड्स के केस में

कि वो तो टाइम पे बिल इशू करेंगे नहीं जानबूझ के सो दैट टैक्स की देरी नहीं आएगी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा तो इसलिए सरकार भी हिंदुस्तानी है भैया गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इन केस ऑफ गुड्स अगर आपने टाइमली बिल इशू कर दिया एज पर सेक्शन नंबर थर्टी जब आपको इनवोस इशू करना चाहिए था उस अकॉर्डिंग आपने टाइमली बिल इशू कर दिया तो तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा पर अगर आपने टाइमली बिल इशू नहीं किया तो इनकेस इनवोस तो जब इन्वॉइस इश्यू हो जाना चाहिए इस पर सेक्शन थर्टी वन वही टाइम ऑफ सप्लाई होगा और हाँ अगर आपको कोई एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ उससे कोई कंसर्न नहीं है गुड्स केस में एडवांस पेमेंट का कोई रिलेवेंस नहीं है जब फॉरवर्ड चार्ज मैक्रेज से ट्वेल्व सेक्शन टू की हम बात कर रहे हैं क्लियर अब सर बात आती है सेक्शन नंबर थर्टी वन के हिसाब से कब इनवोस इश्यू करना चाहिए तो सर इनवोस इज रिक्वयर टू भी इशू ऑन बिफोर रिमूल ऑफ द गुस जहां पर भी मूवमेंट ऑफ द गुड इनवॉल्व है जहां पर भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स गुड्ड है एट द टाइम ऑफ ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स यू हैव टू इशू द इनवॉइस सेकंड जहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पे आपको इनवॉइस कब इशू करना है सर जब आपने गुड्स कस्टमर को अवेलेबल करवा दी जैसे कोई मशीन है कहीं पे इंस्टॉल्ड है

ियोडिकली उसको सप्लायर को पेमेंट करेगा एक सर्टन अमाउंट जो फिक्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो पीरियोडिकल पेमेंट अगर आप दे रहे हो रेसिपेंट अगर सप्लायर को पेमेंट दे रहा है तो जिस दिन वो पेमेंट दे रहा है उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का जितना वो पेमेंट कर रहा है उतना अमाउंट का इन्वर्स इश्यू जाना चाहिए और अगर पिरोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा है सप्लायर तो जिस दिन वो अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट इश्यू कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू कर रहा है उस दिन उतने अमाउंट का इन्वर्स इश्यू हो जाना चाहिए क्लियर तो दिस इज द टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स प्लस अगर आपने कभी भी कोई गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेस भेजी है तो सर जब गुड्स भेजेंगे तब डिलीवरी चालान के थ्रू भेजेंगे तब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते तो ऐसे केस में या तो उसने अप्रूवल दे दी मतलब सप्लाई हो गया या फिर सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स ज अर्लियर उस दिन आपको इन्वर्स इश्यू करना पड़ेगा और अगर आपने टाइमली टाइमलीसू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू इनवोस ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा नहीं तो जिस दिन इन्वर्स इश्यू करना चाहिए था इस पर सेक्शन थर्टी वन वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे क्लियर डन और एडवांस पेमेंट का कोई रिलेवेंस गुड्स केस में नहीं है सेक्शन नंबर ट्वेल्व सबसे टू में सेक्शन ट्वेल्व सबसे थ्री रिवर्स चार्ज मैकेजम जिन जिन केस में गुड्स केस में रिवर्स चार्ज लगता है किन केस में रिवर्स चार्ज लगता है गुड्स केस में वो हमारे में नहीं तो हमने वो नहीं पढ़ा पर हां

जिस दिन रेसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया विच एवर इज अर्लिएस्ट मतलब यहां एडवांस पेमेंट भी कर दिया तो भी लाइव दिया जाएगी ध्यान रखना यहाँ पे पेमेंट वर्ड को डिलीट नहीं किया है केवल सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन टू में पेमेंट एडवांस पेमेंट रिलेवेंट नहीं है सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन थ्री में एडवांस पेमेंट रिलेवेंट है ध्यान दीजिएगा जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हो गया वो दिन या थर्टी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ विश्व ऑफ इन्वॉइस या फिर रेसिपेंट ने जब सप्लायर को पे कर दिया है एवर इज वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा और हाँ रेसिपेंट ने सप्लायर को कब पे कर दिया है? कब माना जाएगा जिस दिन रेसिपेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने पेमेंट की एंट्री कर दी हाँ सर मैंने पेमेंट कर दिया या फिर उसके बैंक अकाउंट में पैसा पेमेंट एक्चुअली डेबिट हो गया कट गया पेमेंट बैंक से विच इज अर्लियर उस दिन मानते हैं क्या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट बाई द रेसिपेंट टू दप्लायर तो सर इन तीनों में से विचवरीज एवर इज इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिपेंट क्योंकि रिवर्स चार्ज में रिवर्सिज्म लाइबल है और हाँ इन तीनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा हो तो ऐसे केस में रेसिपेंट ने जब वो ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया जब वो खर्चा बुक्स में रिकॉर्ड किया जब वो गुड्स अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा सेक्शन सेक्शन नंबर सब खत्म होता है अब सेक्शन नंबर ट्वेल्व सबसे बोलता है इन केस ऑफ वाउचर्स और कूपन अगर आप गुड्स करो थ्रू वाउचर्स या कूपन तो ऐसे केस में अगर आपने वाउचर इश्यू किया या कूपन इश्यू किया गुड्स के लिए तो इफ सप्लाईज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ ऑफ वाउचर तो ऐसे केस में जब वाउचर किया वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा भले रेसिपेंट ने वो वाउचर रिडीम कराया या नहीं कराया कोई कंसर्न नहीं है और अगर इफ सप्लाईज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर तो जब वाउचर रिडीम कराया होगा वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ ऑफ दाउचर इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ थ्रू गुड्सर सर अब एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है या नहीं इसका मीनिंग क्या है मतलब मान लो सर मैं रेडीमेड शर्ट्स बेचता हूं क्लियर और मैंने आपको वाउचर दिया एक हजार रुपए का शर्ट्स का तो जब मैंने वाउचर दिया तो पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट शर्ट ही शर्ट ही परचेज कर पाएंगे तो सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर या ज्वेलरी का मैंने मेरा शोरूम रूम में ज्वेलरी का और ज्वेलरी का मैंने वाउचर दिया तो ज्वेलरी ही सप्लाई होगा अगेंस्ट दैट वाउचर तो सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर और एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर सप्लाई अगर आइडेंटीफाइबल है जब वाउचर इश्यू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा उतना अमाउंट जितना अमाउंट का आपने वाउचर दिया है रेस्पेक्टिव फैक्ट की वो वाउचर रेडीम अपने रेसिपेंट ने कराया कि नहीं कराया टैक्स पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर टाइम ऑफ सप्लाई जाएगा क्लियर एंड बिग बाजार का वाउचर दिया है मान लो मैंने बिग बाजार में हजारों तरह तो की गुड्स से आप जो मर्जी चाहे आप कर सकते हो एक हजार रुपए का वाउचर है अब सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल की आप किसके अगेंस्ट वो वाउचर रिडीम कराएंगे पता नहीं है तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ एश्यू वाउचर तो ऐसे केस में जब वाउचर आप रिडीम कराओगे तभी टाइम ऑफ सप्लाई आएगा रिडीम नहीं कराए तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आएगा कोई लाइब्रिटीटी नहीं नहीं आएगी ये सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन फोर सेक्शन नंबर ट्वेल्व केस मतलब अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है सब सेक्शन टू थ्री और फोर से तो रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई और अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी मतलब इन एनी अदर केस डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉड वगैरह केस में इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पकड़ा गया अगर assessi, तो ऐसे केस में सबसे फाइव काम आएगा सर सेक्शन नंबर ट्वेल्स नंबर सिक्स लास्ट पॉइंट फॉर गुड्स ये बोलता है क्या सर अगर आपने कोई गुड्स सप्लाई किया है और कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस ओवर ओवर एंड अबाउट द वैल्यू आपने इंटरेस्ट डिलेट पेमेंट चार्जेस लेट पेमेंट फी या ऐसा कोई पेनल्टी का अमाउंट या कुछ भी आपने ओवर एंड अबाउट प्राइस चार्ज कर दिया है फॉर डिलेड मेक डिलेट पेमेंट बाय द रेसिपेंट मतलब आपने मान लो उसको उधार दिया एक महीने का उसने लेट कर दिया पेमेंट करने में आपने वैल्यू था एक लाख रुपया उसके अलावा आपने ब्याज भी ले लिया इंटरेस्ट या डिलेट पेमेंट चार्जेज Fee या पेनल्टी कुछ भी नाम से आपने चार्ज लिया इंटरेस्ट वाले पोर्शन के लिए उस एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जिस दिन वो एक्स्ट्रा पेमेंट इंटरेस्ट अमाउंट आपको रिसीव होता है एक्चुअली डेट वन टाइम सप्लाई विल अराइज ऑन दट पोर्न ऑफ दउंट विच इज रिकवराइज इंटरेस्ट और डिलेट पेमेंट चार्जेस पेनलट्रा पर ओरिजिनल जो वैल्यू उसका तो टैक्स इन्वेस्ट जब इश्यू किया होगा सेक्शन नंबर उसके अकॉर्डिंग ही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा इंटरेस्ट वाले पोर्शन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर के हिसाब से आएगा जब वो पेमेंट रिसीव होता है क्लियर डन ये खत्म होता है सेक्शन नंबर ट्वेल्व आइए सर्विसेज सर्विस पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन वन बोलता है सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा वो इस सेक्शन से डिफाइन होगा और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई आता है उस दिन लाइब्रिटी आती है सर्विसेज के केस में

प्रोवाइडेड मतलब जब सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट अर्लियर शेल विद्लाई और टाइम लिमिटून इन केस तीस दिन का वक्त मिलता है इनवॉइस विद इन थर्टी डेज फ्रॉम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस जब सर्विस तीस दिन के अंदर आप इन्वॉइसू कर सकते हो और हाँ अगर आप इंश्योरस कंपनी हो बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी उनके केस में फोर्टी फाइव डेज का टाइम मिलता है टू इशू द इनवॉइस और अगर आपने दिन फोर्टी फाइव डेज इज केस में भी, फ्रॉम सर्विस तीस दिन के अंदर अगर अगर हमने बिल बिल कर दिया, तो तो और और आपने दिन के अंदर नहीं किया या बैंकिंग डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच अवर इज अर्लियर शेल विद सप्लाई और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और हा ध्यान रखिएगा सर अगर ध्यान रखिएगा अगर इन इवेंट से डेट 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 ऑफ 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 रिसीट पेमेंट प्रोविजन सर्विस सेबल नहीं है और टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमेड नहीं हो रहा तो यहाँ एक प्रोवाइज दिया है वो बोलता है क्या जिस दिन रेसीपेंट ने अपनी बुक्स में वो रिकॉर्ड किया होगा रिगार्डिंग रिसीट ऑफ सर्विसेज उस दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे सप्लायर के लिए बेटा अगर इश्यू ऑफ इन्वॉइस प्रोविजन ऑफ सर्विस और ऑफ पेमेंट इनसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो रेसिपेंट ने जब अपनी बुक्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया होगा रिसीट ऑफ सर्विसेज का उस दिन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई था सप्लायर के लिए क्लियर डन एक दो बातें हो रहे बेटा सर ध्यान रखिएगा अगर एडवांस पेमेंट आता है तो जितना एडवांस आया है टू देंट ऑफ अमाउंट रिसीव उतने पे ही लाइबिलिटी आएगी इनवर्स इशू क्या है तो टू देंट ऑफ इन्वर्स इश्यू जितना अमाउंट का invoice किया है उसके लिए टाइम सप्लाई आएगा प्लस अगर कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे थे और बीच में कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करिए आपने उतने का इनवर्स इश्यू करना है और उतने के लिए ही लाइबिलिटी आपकी आएगी ओके सर ध्यान दीजिएगा टाइम ऑफ सप्लाई अगर एडवांस पेमेंट रिसीव होता है सर तो उसके केस में जितना अमाउंट एडवांस आया उतना अमाउंट पर लाइबिली आ जाती है टाइम सप्लाई होता है पर इफ द अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव इज अप टू रुपीज वन थाउजेंड इज अप टू रूपीज वन थाउजेंड तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है वहां आपकी चॉइस है आप चाहे तो अभी टाइम ऑफ सप्लाई निकल के अभी टैक्स पे करें या फिर जब उसका नॉर्मल इन्वर्स इशू करेंगे तभी आप टैक्स पे कर दीजिए अपटू रुपीज वन थाउजेंड अगर एडवांस का अमाउंट है तो ओके okay, डन एक और सप्लाई सर्विस अच्छा कंटिन्यू सर्विस क्या होती है एनी सर्विस इज प्रोवाइडेड और कॉन्टली और रिकरेंटली फॉर अ रिकंटली पीरियड एक्सीडिंग थ्री मंथ इज कॉल्ड कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस और अगर सर्विस कंटिन्यू सप्लाई सर्विस है तो इनवॉस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट कब आती है डिपेंड्स तीन केस अच्छा, है फर्स्ट अच्छा ध्यान रखिएगा कंटिन्यू सप्लाई सर्विस के केस में तीस दिन का वक्त नहीं होता है टू इशू द इनवोस ओके सर इसी केस में इन्वर्स इश्यू करना अगर किसी इवेंट के होने पर रेसिपेंट पे लाइबिलिटी आती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर तो जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट होगा जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस में परसेंटेज कम्पटिशन थर्टी परसेंट बिल्डिंग कंप्लीट दस लाख रुपए दो फोर्टी परसेंट कम्पलीट पंद्रह लाख रुपए और दो इस तरह का है तो जिस दिन वो इवेंट होगा उस दिन उससे पहले पहले उतने अमाउंट का सर्विस का आपको इन्वर्स इश्यू करना पड़ेगा तीस दिन का वक्त नहीं है सेकेंड अगर ऐसा कोई इवेंट फिक्स नहीं पर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है जैसे टेलीफोन सर्विसेज में

उस दिन या उससे पहले पहले आपको इन्वेस्ट इश्यू करना पड़ेगा और जिस दिन इन्वेस्ट इश्यू करोगे वही टाइम सप्लाई होगा पर अगर इस टाइम के अंदर आपने इन्वेस्ट इश्यू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब जब वो इवेंट कंप्लीट हुआ या जब वो ड्यू डेट आई तब मान लेंगे सर्विसेज उतनी कंप्लीट हो गई उतने उतने अमाउंट अमाउंट की और उतने के टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा क्लियर डन ये कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस का माहौल खत्म ओके सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन थ्री बोलता है जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेजम लगता है वहां वहां रेसिपेंट की लाइब्रेड आएगी और रेसिपेंट की लाइब्रेडिटी आएगी तो रेसिपेंट के एंगल से टाइम ऑफ सप्लाई देखना है और रेसिपेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर एक्चुअल मेकिंग पेमेंट टू द्लायर अर्लियर अच्छा आपने पेमेंट किया सप्लायर को कब माना जाएगा जिस दिन आपने बुक्स ऑफ आप अकाउंट में पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया है वो याचुअल डेबिट इन योर बैंक अकाउंटरीज अर्लियर उस दिन मानते हैं डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट वो दिन या फर्स्ट डे फॉर ऑफ विश्वर और हाँ अगर इन दोनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो रहा हो तो जब रेसिपेंट ने अपनी बुस में खर्च रिकॉर्ड किया वो ट्रांजेक्शन किया वो ही क्या हो जाएगा वो 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 दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और आउट ऑफ इंडिया से हमने इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करी है और दोनों पर्सन को ने एसोसिएटेड एंटरप्राइज तो वहां सिक्सटी फर्स्ट डे का टाइम सिक्स का टाइम नहीं मिलता है इनकेस अगर रेसिपेंट ऑफ सर्विस इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर रेसिपेंट सर्विस एंड सप्लायर ऑफ़ सर्विस आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज तो वहां पर टाइम ऑफ़ सप्लाई क्या होगा जिस दिन रेसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया वो एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फर्स्ट डे फ्रमिडर नहीं करेंगे जब बुक्स ऑफ अकाउंटेक्शन रिकॉर्ड द पर्सन आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज प्लस सेक्शन नंबर थर्टीन सबसेक्शन फोर अच्छा 4, 5, 6, जो हमने गुड्स के, के से पढ़े थे तो सर तो, जब वाउचर इशू किया तभी टाइम ऑफ सप्लाई एंड इफ सप्लाइज इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर तो वाउचर रिडीम कराओगे तब टाइम ऑफ सप्लाई एक्साम्पल देता हूं किसी रेस्टोरेंट में पिज्जा मिलता है और पिज्जा का वाउचर मिला पांच सौ रुपए का आपको तो जब वाउचर इशू किया तब डिफाइंड

अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन इन एनी अदर केस डेट ऑफ एक्चुअल मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑफ टैक्स टू द द गवर्नमेंट इज टाइम सप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 6 बोलता है अगर आपने कस्टमर से क्लाइंट से वैल्यू ऑफ सप्लाई के अलावा ओवर एंड अबाउ द प्राइस इंटरेस्ट फॉर डिलेट पेमेंट या पेनल्टी या डिलेट पेमेंट चार्जेस आपने एक्स्ट्रा रिकवरी किए तो उस डिलेट पेमेंट चार्जेस इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा जब वो एक्चुअली आपको रिसीव होता है नहीं रिसीव हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आएगा जब आपको रिसीव होगा उतना अमाउंट के टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन अमाउंट रिसीव हो रहा है वो होगा पर हाँ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई जैसे बिल था एक लाख रुपए का उसके लिए तो सेक्शन नंबर सब सेक्शन टू वगैरह जो है नॉर्मल सेक्शन उसके अकॉर्डिंग टाइम सप्लाई आएगा पर जो इंटरेस्ट अमाउंट आया ओवर एंड द प्राइस

In the best manner in which they can help. Okay, thank you so much. Best wishes from my side to you all, guys. Thank you. Bye.